अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश रहें। तो आज है संडे का दिन और संडे की शुरुआत हुई थी इस मज़ेदार से नाश्ते से जिसमें बना हुआ है फ़िश ऑमलेट। तो ये मेरे हस्बैंड की स्पेशल रेसिपी है जो कि वीकेंड पे मोस्टली ही बनती है हमारे घर में, क्योंकि वीकेंड पे हस्बैंड जो है वो काम से ऑफ होते हैं, तो फिर वो जो नाश्ता होता है हमारा वो थोड़ा सा एहतमाम से बनता है। और आज जो था वो एक स्पेशल दिन था, तो बस उसी के लिए अभी मैं रेडी हुई हूँ। और हमें अभी बाहर जाना था, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो आगे अभी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा स्पेशल क्या है आज। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं आज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी तो आज मेरे छोटे बेटे वफीक की बर्थडे है, और सबसे पहले तो यह है कि हमने केक जो है वो कलेक्ट किया शॉप से, और फिर अभी हम आ गए हैं, हमें चिकन बनाना था तो उसके लिए हमें चिकन लेग्स चाहिए थी, तो वो हम यहाँ से बाय करेंगे क्योंकि ये शॉप बिल्कुल पास ही थी और हलाल मीट शॉप है ये। तो यहाँ से अभी यह है कि हम कलेक्ट करेंगे और फिर जल्दी से घर जाएंगे। तो अभी हम यहाँ ये है कि घर वापस आए, और आते साथ ही ना मैंने चिकन को वॉश किया और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी इसको कट करने में। तो उन्होंने ये है कि काट दिया और फिर मैंने जल्दी से इसको मैरिनेट करके रख दिया क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। हम ऑलमोस्ट तकरीबन 2 बजे ही घर से निकले थे और फिर थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की, लेकिन फिर भी हम ऑलमोस्ट 4-4:30 बज चुके थे जब हम घर वापस आए। और फिर बच्चों को वैसे भी ये है कि भूख लग गई थी, और फिर हमारा ये प्लान था कि शाम तक हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे और साथ ही यह कि हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो मुझे चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट करके रखना था। वैसे तो आप इसको ओवरनाइट रखें तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन मैंने सोचा कि एटलीस्ट इसको 30-35 मिनट ज़रूर दे देती हूँ, तो फिर इसलिए मैंने ना घर आते साथ ही ना पहले तो चिकन को टैकल किया, इसको साफ़ वगैरह किया, वॉश किया, फिर मेरे हस्बैंड ने इसको मेरे लिए यह कि कट कर दिया। तो अभी यहाँ मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, तो क्योंकि मुझे अभी ना वफीक के लिए गिफ्ट भी पैक करना था और हमें बर्थडे की जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी थी वो भी अभी रहती थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसकी मैरिनेशन डन हो जाएगी, तो फिर यह कि इसको तो ओवन में बनाना है तो मेरी कुकिंग का काम इतना नहीं होगा, तो इसका काम पहले ख़त्म करते हैं और फिर बाद में जो डेकोरेशन वगैरह है या पैकिंग वगैरह गिफ्ट की उसको कर लूँगी।
1, 2, 3. Blow. Come on. Oh, yay! Good boy. Come on, clap. Happy birthday, Vasik. Happy birthday. It's okay. Happy birthday, Vasik. Happy birthday, Vasik. Kishi. Good boy, Vasik is a big boy. Yes. Daddy, बाकियों को भी खिलाएं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करें वो भी. Happy birthday. Happy birthday, middle brother. And happy birthday, big brother. It's for me. And happy birthday to me. And what about mommy? Happy birthday to mommy. ये डेकोरेशन है जो भी हमने थोड़ी बहुत की है. Yes. तो केक कट करने के बाद अभी बारी थी डिनर की. तो हमारा डिनर ये है कि रेडी था, तो फिर हमने सोचा कि पहले डिनर कर लेते हैं क्योंकि सबको भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, और फिर जो केक है वो बाद में ले लेंगे. तो ये है कि डिज़र्ट भी हो जाएगा आफ्टर मील. और फिर जो मेन्यू थी वो मेरे बच्चों की काफ़ी फेवरेट थी क्योंकि बच्चे मेरे चिप्स और चिकन जो है वो काफ़ी लाइक करते हैं, और चिप्स तो मेरे ख्याल में हर बच्चे के ही फेवरेट हैं. तो फिर इसी हिसाब से हमने भी मेन्यू डिसाइड किया था. वफीक आपने कुछ बोला भाई को? थैंक यू. ओके से बाय. भाई को भी बोलो थैंक यू. आपने खोला? Yeah. Okay, let us open it. So, let me help you. Okay. Actually, I didn't know how to open it. Yeah, keep going. Can you open the letters? Here you go, Fee. Should I open it for you? Yeah. Okay, Dougie, you want to help me? First, then we go through here, and then we put that up, put this up, and it's ready to run together. Right? तो ये था मेरा आज का व्लॉग. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आज की वीडियो आपने इंजॉय की होगी. तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं आज तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आज की वीडियो आपने इंजॉय की हो. एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.